नमस्कार दोस्तों टॉपर स्ट्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एन टी ए नेट दो हज़ार बाईस को लेकर मैं कुछ डिस्कशन कर, करने वाला हूं आपसे एक बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर फिलॉसफी से जब हम नेट करें तो हमारी रणनीति क्या रहनी चाहिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए अब मैंने हालांकि कई बार ये वीडियो बना दिए हैं मेरे चैनल पर अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट एक हज़ार के आसपास वीडियोस होने वाले हैं नौ सौ साठ नौ सौ सत्तर के आसपास कुछ होंगे अभी तो इतने ज़्यादा वीडियोस फ़िलासफी के ओवरऑल यूट्यूब पे नहीं हैं बट फिर भी बच्चों को लगता है कि सर कौन ढूंढे पीछे जाकर एक बार और बना दीजिए एक नया बना दीजिए तो कोई समस्या नहीं है मुझे तो मेरा तो शौक़ है ठीक है तो नेट से या फिर फ़िलासफ़ी से जब आप नेट कर रहे हैं या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट से नेट कर रहे हैं ठीक है डिपेंड करता है कि आपकी रणनीति कैसी है उसके ऊपर आप क्या करना चाहते हैं कहाँ से आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई इन द सेंस में ये नहीं कह रहा आप मेरे पास एडमिशन लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में मत जाइए या किसी इंस्टीट्यूट में चले जाइए किसी विशेष इंस्टीट्यूट की मैं चर्चा नहीं करूँगा यहाँ पर मैं सिर्फ आपकी इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ मेरी रणनीति हमेशा ये रही है या फिर मेरा मोटिव हमेशा ये रहा है कि बच्चा आत्मनिर्भर होकर पढ़ाई करे आपकी निर्भरता मेरे ऊपर भी नहीं होनी चाहिए किसी अन्य शिक्षक के ऊपर भी आपकी निर्भरता नहीं होनी चाहिए क्यों इसका एक फर्क पड़ता है अगर मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूं तो आप गलत ही पढ़ेंगे जब तक तक आप खुद से उसकी जांच नहीं करेंगे तब तक शायद आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि मुझे गलत पढ़ा दिया गया ठीक है तो सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि आखिर मुझे तैयारी किस तरीके से करनी है कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं हालांकि मैं फिर कह रहा हूँ मैंने बहुत बार ये चीज़ें बताई हुई है बट फिर ठीक है एक बार और बता देते हैं कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इसमें याद रखनी होती है और जो शायद गलतियाँ आप लोग करते हैं या फिलासफी के बच्चे या सारे सब्जेक्ट्स के शायद हो सकता है बच्चे ये गलतियाँ करते हों सबसे पहली स्टेप स्टेप है आपकी सिलेबस जो है आपका वो आपके पास होना चाहिए वो आपके हाथ में होना चाहिए वो आपकी टेबल के ऊपर जहाँ पर आप अध्ययन करते हैं जिस कक्ष में आप अध्ययन करते हैं वहाँ पर वो होना चाहिए और उस सिलेबस को आप रोज देखें कि आखिर इस सिलेबस में मैं कहाँ पहुंच गया या पहुंच गई दस यूनिट है तो इसको मैं कैसे डिवाइड करूँ कहाँ से मुझे पढ़ाई शुरू करनी है कौन कौन से यूनिट्स के स्टडी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है कौन कौन से यूनिट्स के स्टडी मटेरियल मेरे पास अवेलेबल नहीं है मैं कैसे इनकी तैयारी करूंगा क्या मुझे ऑनलाइन इनके बारे में ज्ञान लेना है क्या YouTube से मुझे ये टॉपिक्स ढूंढने हैं क्या मेरे पास बुक्स इनफ है मैं ऑनलाइन नहीं जाऊंगा केवल बुक्स के माध्यम से अध्ययन करूंगा ये सब कब मालूम पड़ेगा जब आपके हाथ में सिलेबस होगा जब आपको ये पता होगा कि मुझे करना क्या है मुझे इस रास्ते पर चलना है ये दस यूनिट है मुझे इनको कवर करना है सिंपल आपका एक लक्ष्य हो गया एक मोटिव हो गया अब उस लक्ष्य के पीछे आप अपनी रणनीति बनाएंगे तो पहला स्टेप या पहला कदम आपका सिलेबस आपको पता होना चाहिए और सिलेबस हमेशा आपके टेबल पे होना चाहिए और आप वहां से एक एक यूनिट को निशान लगाएं एक एक यूनिट को आप शुरू करें उसको मार्क करें कि मान लीजिए आपने यूनिट संख्या दो आज शुरू करी पाश्चात्य दर्शन तो वहां पर आपको पता होना चाहिए सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं अगर प्लेटो में पढ़ रहा हूं या पढ़ रही हूं तो प्लेटो के अंदर मुझे क्या क्या पढ़ना है ऐसा नहीं है प्लेटो का तो कोई अंत नहीं है बेसिकली फिलासफी का ही कोई अंत नहीं है तो यहाँ पर मुझे क्या पढ़ना है इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि मुझे क्या नहीं पढ़ना है ये मेरे लिए अतिरिक्त है एक्स्ट्रा है इसको मैं थोड़ा साइड में कर देता हूं। तो सिलेबस आपके पास हो आप एक रणनीति के साथ कार्य करें आप ये चेक कीजिए अगर मान लीजिए मैं बात करता हूँ दिसंबर की साहब आपका अगला एग्जाम दिसंबर में होने वाला है ठीक है जो जून में एग्जाम होगा उसके लिए तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपका इनफ टाइम है आप तैयारी कर सकते हैं अप्रैल का महीना लगभग आधा निकल गया है केवल आपके हाथ में मई का महीना बचा है हो सकता है जून के पहले या दूसरे वीक के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाए तो ये इनफ टाइम नहीं है हाँ जैसे हमारी भी एक तारीख से दिसंबर की क्लासेज शुरू होगी दिसंबर दो की तो होगा क्या देखिए सिलेबस आपने निकाल लिया अब सिलेबस को रणनीति आप कैसे तैयार करेंगे सिलेबस की स्टडी आप किस तरीके से शुरू करेंगे कौन कौन सा स्टडी मटेरियल आपके पास आ गया उसको हम कैसे पढ़ेंगे मान लीजिए कोई भी यूनिट आपको मैंने दे दी कोई भी यूनिट आप पढ़ रहे हैं आपने कहा कि सर मैं तो यूनिट संख्या फर्स्ट पढ़ रहा हूँ इंडियन फ़िलासफी की इसमें मान लीजिए मैंने पता किया कि इसमें ऑलमोस्ट सारे छोटे मोटे बड़े पतले दुबले सारे टॉपिक्स अगर मैं मिला लेता हूँ तो मान लीजिए चालीस टॉपिक्स हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल चालीस मैंने गिने नहीं है फॉर एग्जाम्पल चालीस टॉपिक्स हो रहे हैं अब इन चालीस टॉपिक्स को आप डिवाइड करेंगे कि साहब इनमें से बीस टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो मुझे आते हैं मैंने पढ़े हुए हैं इसमें कोई ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा इन बीस टॉपिक्स को मुझे जस्ट रिवाइज करना है और रिवाइज करके मुझे इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं तो ऑलमोस्ट दो दिन का काम है मेरे लिए चलिए ठीक है दस टॉपिक्स दस टॉपिक्स थोड़े से टफ हैं बहुत कम पढ़े हैं मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है इनमें थोड़ा टाइम लग सकता है दस टॉपिक हैं ऑलमोस्ट दो दिन मान लीजिए आप जैसे कवर हो जाता है एक दिन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दस टॉपिक्स बहुत टफ है मैंने आज तक नहीं देखे कभी पढ़े भी नहीं है यहां पर आप ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं जैसे मान लीजिए आपने ऑनलाइन यूट्यूब पे आप गए आपने उस टॉपिक को डाला उसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की मैं ही नहीं कह रहा हूँ आप मेरे चैनल पर ही देखें यूट्यूब एक अथा सागर है ठीक है उसका कोई अंत नहीं है वहां पर बहुत सारे वीडियोस हैं सही गलत अच्छे बुरे वो सब आपको तय करना है ठीक है मैं मैं ये नहीं कहूंगा कि ये अच्छा है ये बुरा है वो आप, आपका निर्णय है और आपका निर्णय ही यहाँ पर मान्य होगा मेरा निर्णय यहाँ पर कोई मान्य नहीं होगा ठीक है तो आप ये डिसाइड करेंगे कि ये अब जो दस टॉपिक्स हैं उसका अध्ययन उसकी रणनीति मुझे कैसे बनानी है तो उससे क्या होगा मान लीजिए आपने ऑनलाइन उसको चूज़ किया यूट्यूब पे आप देख रहे हैं गूगल पे आप देख रहे हैं जहां पर आपकी इतनी मर्जी आप देख सकते हैं ये दस टॉपिक वो हैं जिसके बारे में आपको ज़्यादा पता नहीं है या जिसके बारे में आपको कन्फ्यूज़न बहुत है या जिसके बारे में स्टडी मटेरियल आपके पास नहीं है तो आप इस तरीके से इसको डिवाइड कीजिए इस तरीके से आप इसको अलग अलग भागों में बांट लीजिए अब मान लीजिए आपने दस टॉपिक कहीं से पढ़े इसमें कुछ समझ में आया कुछ समझ में नहीं आया और आपने दो दिन इसके ऊपर भी इन्वेस्ट कर दिए आपके टॉपिक समझ में नहीं आया तो इसका एक तरीका बताता हूँ मान लीजिए टॉपिक मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि अभी क्या करना है इसके अंदर तो आप डायरेक्ट सेकेंड स्टेज पर आ जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए फिर वहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए दो ही तरीके हैं पढ़ने के दोनों में से जो आपकी मर्जी है आप वो कर सकते हैं आसान टॉपिक्स या जो आपको आते हैं टॉपिक्स उन टॉपिक्स की रणनीति होती है कि हम पहले टॉपिक्स का अध्ययन करते हैं उसके बाद उसके प्रीवियस ईयरस के क्वेश्चंस देखते हैं जो टॉपिक मुझे नहीं आते हैं या जो टॉपिक मुझे समझ में नहीं आते हैं या जिसके बारे में मेरे पास कोई ज्ञान नहीं है या जिसके बारे में मेरे पास किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं है लेकिन पढ़ने हैं मुझे तो आप अपनी स्ट्रेटी को उल्टा कर दीजिए पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन टॉपिक्स में से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं सिंपल और फिर क्वेश्चंस के मार्फत क्वेश्चंस की मदद से आप अपने वन लाइनर नोट्स तैयार कीजिए और आप उन्हीं को पढ़िए बस ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है हालांकि ये तरीका फिफ्टी फिफ्टी तरीका है मतलब पचास प्रतिशत संभावनाएं हैं कि क्वेश्चन टकरा जाएगा पचास प्रतिशत संभावनाएं हैं कि नहीं टकराएगा लेकिन फिर भी ये शून्य नहीं है हाँ कुछ संभावनाएं हमेशा रहती है अगर दस क्वेश्चन या पांच क्वेश्चन भी ऐसे इन टॉपिक से आ जाते हैं और आपने दो भी अटैप्ट कर लिए सही अटैप कर लिए बहुत है 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 आपके लिए ठीक दूसरा आपका यूनिट यूनिट पूरा हो चुका जैसे अभी हमने की इसकी बात करी दिन के अंदर ऑलमोस्ट एक यूनिट आपकी छह से सात दिन में आपने कवर कर ली काम खत्म पैसा कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर अब हम चलते हैं दूसरी स्टेज के ऊपर नोट्स कैसे बनाएं बच्चे नोट्स के अंदर गलती क्या करते हैं मैंने कई बार देखा बच्चे क्या करते हैं किताब के अंदर या जो और नोट्स दुकान से लेके आए हैं उन नोट्स को उठाते हैं लाइन टू लाइन कॉपी करते रहते हैं लाइन टू लाइन उसको लिखते रहते हैं और नई कॉपी बना लेते हैं और कहते हैं हमने नोट्स नोट्स बना लिए ये ये नहीं है ये तो कॉपी पेस्ट हो गया वहां से कॉपी किया वहां पेस्ट किया वहां से कॉपी किया वहां पेस्ट किया ये नोट्स नहीं कहलाएंगे नोट्स का मतलब है आपके किसी चैप्टर की वो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जानना जरूरी है या फिर उस चैप्टर की वो महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं मेरे दिमाग में नहीं रख सकता हूं हर बार मैं भूल जाता हूं वो आपके नोट्स में लिखी होनी चाहिए समझ रहे हैं मेरी बात एक टॉपिक है टॉपिक के अंदर चार ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं याद नहीं रख सकता हूं तो मैं क्या करूंगा नोट्स टॉपिक का नाम चार इन्फॉर्मेशन है चारों इंफॉर्मेशन मेरे दिमाग से स्किप हो जाती है लेकिन मुझे पता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चारों पढ़नी जरूरी है क्योंकि यहां से प्रश्न आते हैं तो नोट्स टॉपिक का नाम पहली सूचना दूसरी सूचना तीसरी सूचना चौथी सूचना ये एक तरीका हो गया दूसरा तरीका टॉपिक का नाम लिखिए चार इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन नंबर वन इंफॉर्मेशन नंबर टू इंफॉर्मेशन नंबर तीन इंफॉर्मेशन नंबर चार इसे कहते हैं माइंड मैप किसी भी टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं महत्वपूर्ण हिस्से हैं जो आपको जानने जरूरी हैं उसको हम इस चित्र के रूप में बना सकते हैं शायद आपको दिख नहीं रहा होगा अब दिख रहा है ठीक है इसे क्या कहते हैं हम माइंड मैप मेरे सर के ऊपर दिख रहा होगा आपको टॉपिक है टॉपिक के चार हिस्से मैंने बनाए एक दो तीन चार और चारों को मैंने अंकित कर लिया वहां पर लिख लिया वहां पर यह तरीका कब काम आता है मतलब कब महत्वपूर्ण हो जाता है मैं बनाता गया बनाता गया बनाता गया मैंने बहुत सारे माइंड मैप बना लिए अगले हफ्ते मेरा एग्जाम है नेक्स्ट वीक मेरा एग्जाम है सात दिन में दस यूनिट तो मैं नहीं पढ़ सकता सही बात है सात दिन में मैं दस यूनिट नहीं पढ़ सकता लेकिन सात दिन में अगर ऐसे माइंड मैप्स के मैं पेज काउंट करूं तो ऑलमोस्ट सौ पेजेस, डेढ़ सौ पेजेस बस, दस दिन में या सात दिन में मैं सौ पेज तो पढ़ सकता हूं कितनी बार पढ़ सकता हूं लगभग सात बार पढ़ सकता हूं, लगभग सात बार, लग बार आप रिवाइज कर सकते हैं और ये चीजें दिमाग के सबकॉन्शियस जो अवचेतन मस्तिष्क है वहां फीड हो जाती है चित्र है डायग्राम्स हैं है ये नोट्स बनाने का तरीका है एक प्रश्न आता है तीसरा प्रश्न या तीसरा डाउट आपका सर कितने महीने में कितने दिनों में नेट का फिलोसफी का तैयारी हो जाता है तो ध्यान रखिएगा मेरा ऐसा मानना है कि ढाई से तीन महीने ढाई से तीन महीने मैं कहता हूं नाइनटी डेज इससे कम में मेरे हिसाब से अगर आप प्रेशर हैं तो मुश्किल है अगर आप फ्रेशर हैं तो मुश्किल है दस यूनिट है आपके पास इसको मैं डिवाइड करता हूं लगभग चार यूनिट आपकी ऐसी है जिसको आप बड़ी यूनिट का नाम दे सकते हैं कि ये बहुत लेंदी यूनिट है लेंदी यूनिट का मतलब एक यूनिट कम से कम दस दिन का समय लेती है चालीस दिन फोर्टी डेज तीन से चार यूनिट ऐसी है जो बहुत छोटी है चार यूनिट बहुत छोटी है मतलब आपने आज पढ़ना शुरू किया कल तक खत्म हो गई ऐसी यूनिट है बट मैं दो दिन नहीं मानता हूं उसके भी। आप पांच पांच दिन लेके चलिए पांच दिन मतलब बीस दिन और बीस साठ साठ दिन दो महीने आठ यूनिट आपकी कंप्लीट हो चुकी है दो यूनिट जो बचती है रिमेनिंग जैसे मान लीजिए मैं कह दूं लॉजिक्स की है या फिर ऐसी यूनिट्स जो जिसके बारे में कई बार कंफ्यूजन रहती है वो इजी भी है लेकिन टफ भी है टफ इसलिए क्योंकि कंटेंट समझ में नहीं आता इजी इसलिए क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने का उसके अंदर ऐसी यूनिट मॉडरेट यूनिट्स होती है इसको ना ही तो आप पांच दिन में कवर कर सकते हैं ना ही दस दिन में तो इसके लिए मैं कहता हूं कि इसको आप मॉडरेट रखिए दो यूनिट है सात से आठ दिन के हिसाब से रखिए इसको आप चौदह दिन सेवेंटी फोर डेज मेरा एस्टिमेशन रहता है पिचहत्तर से नब्बे दिन सेवेंटी फोर डे में हो गया एक एक यूनिट का अब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए दो दो दिन कर लीजिए टेन क्रॉस टू बीस तो ऑलमोस्ट नाइंटी फोर या नाइन्टी डेज आपका विद प्रैक्टिस तीन महीना नेसेसरी है तीन महीना आपको देना पड़ेगा यह अनिवार्यता है ध्यान रखिएगा इससे कम समय अगर आप दे रहे हैं तो आप खुद के साथ धोखा दे रहे हैं ध्यान रखिएगा हाँ वो अलग बात है कि सर मैंने बहुत बार दिया हुआ है मेरा नेट तो क्लियर है केवल की के तैयारी कर रहा हूं तो आपके लिए फिर तो बहुत कम समय चाहिए आपको तो आप वो है जो एक यूनिट को दो दिन में कवर कर सकते हैं दिन में पूरा सिलेबस खत्म अभी आपका टाइम है अगर जून का एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो अभी आपका समय है ठीक है तो ये तीन स्ट्रेटेजियां या तीन चीजें आप हमेशा अपने साथ रखिएगा चौथा एक और यक्ष प्रश्न आता है काफी बच्चों का कि सर फर्स्ट पेपर का क्या करें फर्स्ट पेपर पढ़ना जरूरी है क्या छोड़ दें तो क्या दिक्कत है अगर जे चाहिए तो फर्स्ट पेपर आपका अच्छा होना चाहिए इसे कागज पे लिख लीजिए अगर फर्स्ट पेपर आपका वीक है तो यहां आपको जे कोई भी नहीं करवा सकता अंडरलाइन कर लीजिएगा इस बात को अगर फर्स्ट पेपर वीक है तो आपको जे आर एफ नहीं निकलेगी नेट निकल सकता है यह अलग बात है जे आर एफ आपका नहीं निकलेगा आपको जो फेलोशिप चाहिए वो फर्स्ट पेपर के बिना नहीं आती है फर्स्ट पेपर भी कितना तीस से ऊपर आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए ध्यान रखिएगा आप उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं उस फिलॉसफी की पढ़ाई कर रहे हैं जिसकी कट ऑफ इंडिया में लगभग सबसे हाईएस्ट रहती है या मैं कहूं इंडिया के कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिनकी कट ऑफ सबसे हाईएस्ट होती है उनमें फिलॉसफी भी एक सब्जेक्ट है आप किसी नॉर्मल सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो जब कट ऑफ बहुत हाई रहती है तो बिना फर्स्ट पेपर की हेल्प के आप ये नहीं कर सकते तो गलती या एक जैसे कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस कोई फर्क नहीं पड़ता फर्स्ट पेपर तो गलत भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है कई बार हिंदी मीडियम के बच्चों की मैंने एक समस्या देखी है कि सर मैथ समझ में नहीं आती डीआई समझ में नहीं आता भैया दस यूनिट है आपके पास एक छोटा सा एक प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देखिएगा मुझे कई बार बड़ा ही अफसोस होता है दस यूनिट है आपके पास हर यूनिट से पांच क्वेश्चन आएंगे पचास क्वेश्चन एक रफ आइडिया बता रहा हूं आपको दस यूनिट है पांच क्वेश्चन आएंगे पचास क्वेश्चन मुझे कितनी यूनिट नहीं आती एक दो तीन चार यूनिट नहीं आती मुझे मैथ्स हटा दिया डीआई हटा दिया ये हटा दिया, दिया वो हटा दिया सब हटा दिया चार यूनिट हटा दी क्या ये आपको आता है पूरा फिर मगर हाँ तो फिर आपकी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए मिनिमम ट्वेंटी तो लेकिन यहां पर भी कंडीशन साहब तो पंद्रह ही सही किए क्यों सर मुझे चार यूनिट तो आती नहीं थी अरे तो आती नहीं थी वो तो हमने हटा दी ना खुद के साथ धोखा मत कीजिए नहीं आता है तो उसका ऑप्शन बी शुरू कीजिए रणनीति बदलिए केवल एक्सक्यूज देने से एग्जाम पास नहीं होगा मेहनत करने से हो जाएगा ठीक है तो ये कुछ बेसिक स्ट्रेटजीज हैं जो आप नेट की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बेनिफिशियल है और भी बहुत सारे वीडियोस मैंने ऐसे बनाए हैं यूनिट वाइज भी मैंने वीडियोस बनाए हैं किस यूनिट से क्या पढ़ना है कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो मुझे पढ़ने चाहिए आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं और 1 दिसंबर से मैं भी नया बैच शुरू कर रहे हैं बेसिकली आम, हमारा क्या रहता है 1 तारीख और 15 तारीख यहाँ से नए बैच शुरू होते हैं या तो एक तारीख से महीने की या पंद्रह तारीख से तो अभी एक तारीख को दिसंबर के लिए हम बैच शुरू करेंगे तो आप चाहें तो इसमें दाखिला ले सकते हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का